मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब मैंने शॉपिंग की थी, नर्सरी गई थी मैं, तो मैंने और प्लांट्स भी लिए थे। देखिए, उनमें से एक प्लांट ये भी है, इसको मैंने रीपॉट किया और उसमें एक ये रहा। देखिए, ये सारे हैं, फर्न भी है, फॉक्सटेल फर्न, ये वाला फर्न, ये इसका नाम मुझे ध्यान नहीं है। और ये सभी प्लांट्स मैंने रीपॉट किए हैं अभी। और ये फॉक्सटेल फर्न की, तो ये देखें, ये कुंदा का भी प्लांट मैंने लिया है। इसमें बहुत अच्छे फ्लावर होते हैं, इससे खुशबू हो जाती है बालकनी में। एक प्लांट मेरे पास इसका पहले भी है और उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है अभी। और मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में कितनी सारी बर्ड्स आ रही थी, ये देखिए इसमें भी स्टार्ट हो गई है बर्ड्स आने। ये मेरा पहले का प्लांट है, ये है चाइनीज़ ऑरेंज का, इसमें बहुत सारे फ्लावर आए हैं और ऑरेंज भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने जो प्लांट्स लिए थे, गर्मी के प्लांट्स की शॉपिंग की थी मैंने, और वो भी धूप वाले नहीं हैं, सेमी शेड वाले ही प्लांट हैं सारे जो मैंने लिए हैं। सिर्फ कुंदा वाला प्लांट है, इसे धूप की ज़रूरत है। वैसे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन्हें सभी को धूप की ज़रूरत होती है। आप उन्हें 4-5 घंटे धूप में रख सकते हैं और रखना ही चाहिए, तभी अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन जब गर्मी में बहुत तेज़ गर्मी जिस टाइम पर पड़ती है, तो उन्हें दोपहर की तेज़ धूप से बचाना चाहिए। आज ही मेरे गार्डन पे देखे, हिबिस्कस का एक बहुत ही बड़ा फूल खिला है, इसका साइज़ बहुत बड़ा है। इसने बहुत दिन वेट कराया, फर्स्ट फ्लावरिंग जब इसकी हुई थी उसके बाद अभी हुई है, लेकिन बर्ड्स बहुत सारे आ रहे हैं। देखिए, ये वाला प्लांट गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, शायद फंगस लग गई है, तो अब ये नहीं सर्वाइव कर पाया। मुझे लग रहा था फ्लावर आने लगे थे कि शायद चल जाए, लेकिन ये नहीं चला, बाद में मैंने इसे हटा दिया। ये देखिए, ये वाला भी इंडोर प्लांट है, ये भी ये मैं लेकर आई थी, बहुत ही प्यारा है, इसका कलर देखिए, और ये रेड गमले में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। ये है मेरे पेंटास, दो कलर हैं पेंटास के, इन्हें भी मैंने रिपोर्ट कर दिया, ये मेरे पहले के लाए हुए हैं। और ये देखिए, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये क्लाइंबिंग रोज़ है, मुझे लग रहा था ये नहीं चलेगा, लेकिन इसमें नए शूट निकल आई है। देखिए, मैंने इसे साइड में रख दिया था रिपोर्ट करके, लेकिन इसकी जो ऊपर की, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो जारी है टंडी ऊपर की तरफ, ये सूखी हुई थी, मुझे लगा पता नहीं चलेगा कि नहीं, पर मैंने इसे, एक भी पत्ती नहीं थी इसमें, तो मैंने इसे एक बार छाया में सेमी शेड में ही रख दिया था, यहाँ पे हल्की धूप आ रही थी, तो इसमें मैंने अभी 2 दिन पहले ही देखा तो इसमें पत्तियाँ निकलने लगी हैं, तो मैंने इसे धूप में शिफ्ट कर दिया। सारे ही प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, आप मेहनत तो क्या है, इन पौधों को प्यार की ज़रूरत होती है। अगर आप इनसे प्यार करते हैं और टाइम से आप इन्हें पानी और खाद देते हैं, तो ये फ्लावरिंग करते हैं, और ये इनका नेचर है। फ्लावरिंग प्लांट होगा तो वो फ्लावर देगा ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट में फ्लावर हो, क्योंकि आप अगर आप बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं तो ही वो आगे जाके अच्छी फ्लावरिंग करता है, बड़ा होता है। जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमें अपने पौधों को भी प्यार देना चाहिए, क्योंकि अगर हमें इन्हें भी तिरस्कार देंगे तो ये कभी ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें भी प्राण होते हैं, जीवन होता है, तो हमें भी इन्हें भी प्यार करना चाहिए। अगर हम इन्हें अपने घर में लेकर आए हैं, अगर हमने इन्हें अपने घर में जगह दी है, तो हमें अपने दिल में भी जगह देनी चाहिए, और हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इनका। 2 घंटे तो आपको दिन में निकालने ही पड़ेंगे अगर आप प्लांट घर में रखते हैं, और अगर आप नहीं प्यार कर सकते, टाइम नहीं दे सकते, तो आपको आर्टिफिशियल प्लांट ही घर में लगाने चाहिए। तो मुझे तो अपने प्लांट से बहुत प्यार है, देखिए नई नई कलियाँ आने लगी है। मुझे तो मेरे प्लांट में एक फूल भी खिलता है तो वो प्लांट भी बहुत ही प्यारा लगता है, और फूल नहीं खिलता है तो इंतज़ार में बहुत मज़ा आता है।
बस पानी का आप ध्यान रखिए, पानी कम हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन आप पानी ज़्यादा मत डालिएगा। मैं अपने हर वीडियो में ये चीज़ बताती हूँ आपको कि पानी ज़्यादा कभी नहीं डालना चाहिए, कम रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम तो ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको ध्यान रखना है, मिट्टी सूखी दिखे आपको, अलग ही हमें नज़र आ जाती है अगर मिट्टी सूखती है तो, आप उसमें पानी डाल दीजिए। ये देखिए इसमें भी दोबारा फ्लावर खिल रहे हैं, नहीं तो पुराना जो पौधा होता है उसके पुराने बड्स तो पुरानी फ्लावरिंग ख़त्म होते ही सूख जाते हैं। ये मेरे कुंदा का दूसरा प्लांट है, देखिए कितने फ्लावर खिल रहे हैं। मैंने आपको थोड़े दिन इससे पिछले वाले शायद वीडियो में बताया था कि इसमें बड्स थे बहुत सारे और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। मैं इस बालकनी में जैसे ही आती हूँ वैसे ही महकने लगती है बालकनी, बहुत ही खुशबू। ये देखिए मेरा ये बर्बीना का प्लांट था, वो उसमें कितने सारे बर्ड्स आए हैं। ये फ्लावरिंग होते ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मैंने ये वीडियो कुछ दिनों के अंतराल में बनाया है, ये देखिए इसमें भी बर्ड्स हैं, तो मैंने जब तक फ्लावरिंग नहीं हुई वेट किया है, बर्ड्स आए हैं। पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था चाय पत्ती और प्याज के छिलके और केले के छिलके सुखाकर, जो मैंने पीस कर इनके लिए जो खाना बनाया था वो मैंने जब मैंने पौधों में डाला था, उसके बाद मैंने इतने दिनों से इनका वेट किया और वीडियो बनाया है, थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बनाया है कि मैं आपके साथ इनके जो भी इसके परिणाम होते हैं, जो मैं खाद डालती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ, मुझे ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ, ये किसी ना किसी के साथ शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है अपने मन में मुझे रखना पसंद नहीं है, तो मैं ये किसी ना किसी के साथ शेयर करना चाहती थी, इसीलिए मैंने वीडियोस भी बनाने शुरू किए। क्योंकि देखिए आज के टाइम पर इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता है कि वो किसी के शौक़ को आपको टाइम देकर सुने या आपके पास खड़ा रहे। लेकिन आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं लोग, और जिन्हें पसंद होता है वो भी मोबाइल में तो वो अपनी चीज़ें सर्च कर ही लेते हैं, तो जो देख सकते हैं वो देख लेंगे, और उन्हें पसंद आता है तो देखिए जो चीज़ अच्छी होती है उसे सभी सराहते हैं, और जो पसंद आती है उसे तो सराहते ही हैं। और पौधों को तो, पौधे तो ऐसी चीज़ है जो किसी को पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखिए कितने प्यारे हैं, मुझे तो ग्रीन कलर की पत्तियाँ भी दिखती हैं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बहुत पता नहीं मुझे ये शौक़ कैसे लगा, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। ये देखिए ये भी रोज़ है, इसमें भी नए नए शूट्स आने लगे। ये मैं लेकर आई थी तो इसमें एक फ्लावर खिला हुआ था। ये देखिए इसमें भी दो फ्लावरिंग थी, ये डबल पेटल हिबिस्कस है, इसमें बहुत सारे बर्ड्स आ गए। ये उसके बाद की बात है, मैंने आपको उस समय भी, आप चाहे तो पुराना वीडियो देखिएगा, मुझे इतनी खुशी होती है आपको मैं इस वीडियो में शो करूँगी। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी नए बर्ड्स आए हैं उसके बाद, बहुत ज़्यादा बर्ड्स आए हैं उसके बाद। ये मैंने रियलाइज़ किया कि वो खाद डालने के बाद बहुत सारे आए, क्योंकि मैंने अभी तो क्या बोलते हैं सरसों की खली दिए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, वो तो मैंने उसके बाद से अभी तक नहीं दिया है, जब मैंने वो खाद डाली थी तो उसके बाद तो मैंने दी भी नहीं है, तो ये जो असर है वो ज़्यादा इसी खाद का है जो मैंने अभी इसके पहले दी हुई है। ये देखिए इसमें भी कितनी फ्लावरिंग हो रही है, ये पिटूनिया तो बहुत घना हो गया है। सभी अच्छे चल रहे हैं अभी तक तो, पौधे सभी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आप इनमें फंगीसाइड का स्प्रे करते रहिए हर हफ्ते, आपको हफ्ते में एक बार तो करना पड़ेगा। ये देखिए सारे फ्लावर्स स्पेंट हो चुके हैं, तो मैंने सभी हटा दिए हैं, पर आपको बहुत केयरफुली करना होगा। ये मैंने छोटा कटर लिया है, तो प्रूनर है ये मेरा छोटा सा, तो इससे छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती हैं वो आराम से कट जाती हैं, तो
आप ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए स्टिक जो है इसमें और भी बर्ड्स बने हुए हैं, ये आगे जाकर लंबी होगी स्टिक और इसमें बहुत सारे फ्लावर खिलेंगे, दोबारा से फ्लावरिंग होगी। अभी ये मौसम है फ्लावरिंग का, तो अभी तो टाइम है, तो दोबारा बर्ड्स बनेंगे और दोबारा फ्लावरिंग होगी इसमें। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मेरे पास 3 कलर हैं इसके डॉग फ्लावर्स के, तो मैंने तीनों कलर के, ये देखिए अभी तो मैंने एक येलो और मैंने दूसरे भी मैंने इसके पुराने जो स्पेंट फ्लावर हैं उनको कट कर दिया था, तो आपके साथ मैंने ये एक वीडियो बनाया था आपके साथ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हमें सभी कुछ पता नहीं होता है। मैं भी देखिए कुछ वीडियो देखकर कुछ सीखती हूँ, जो और भी गार्डनर दोस्त हैं हमारे उनके वीडियोस देखकर कुछ हमें सीखने को मिलता है, तो मैं नए नए वीडियो भी सर्च करती रहती हूँ और जो मुझे लगता है कि वो कुछ आपके काम आ सकते हैं तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। देखिए हर चीज़ तो शेयर नहीं हो पाती है, क्योंकि वीडियो दोनों हाथ से काम ज़रूरी होता है करना, एक हाथ से काम नहीं होता, और वीडियो बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई भी आपके आसपास हमेशा हो। तो काम तो मैं बहुत सारे करती हूँ गार्डन में, अभी मैंने रिपॉटिंग बहुत सारी की थी लेकिन मैं उसे शूट नहीं कर पाई। ये देखिए कितना प्यारा हो गया, सारे पुराने फ्लावर हटा दिए हैं और मैं इसे हैंगिंग बास्केट में रख दूँगी, जिससे इसके ऊपर बहुत अच्छी धूप पड़े, क्योंकि फ्लावरिंग होने के बाद इसे पौधे को धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इसे बाद में रख सकते हैं जहाँ ज़्यादा धूप नहीं आती है, लेकिन एक बार जब तक बर्ड्स बनने के लिए हमें इसे 4-5 घंटे की धूप देनी बहुत ज़रूरी होगी, इसलिए मैं इसे हैंगिंग बास्केट में डालूँगी जिससे डायरेक्ट धूप इसे लग सके। ये देख लीजिए चारों तरफ से मैंने हटा दिया है, ये ढक दिया। ये मेरे नींबू का प्लांट है, सभी स्पेंट फ्लावर मैं कट कर रही हूँ। ये मैं काम वैसे रोज करती हूँ लेकिन वीडियो रोज नहीं बना पाती हूँ, डेली करती हूँ ये काम। वाटरिंग भी आजकल डेली ही करनी पड़ती है, क्योंकि धूप में तेज़ी आ चुकी है, पहले तो धूप कम तेज़ थी तो मिट्टी जल्दी नहीं सूखती थी, 3 दिन में एक बार पानी की ज़रूरत होती थी। ये देखिए मीठा नीम, इसमें भी नए, देखिए नए शूट निकलने लगे हैं, इसका मतलब अब आप इसमें पानी अच्छे से देना शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब तक 2-3 ब्रांचेस निकल नहीं जाती तब तक हम खाद नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी ठंड थोड़ी बाकी है। ये देखिए अभी इसके फ्लावर बाद में आए थे सारे, ये दोबारा फ्लावरिंग हुई थी, पहले नहीं हुई थी इसलिए मैंने अभी इसे कट नहीं किया है, और ये भी नई फ्लावरिंग है, ये भी 1 महीने तक रहने वाली है। ये हमारी टर्टल वाइन, बहुत ही प्यारा प्लांट है ये भी। एक नज़र डालते हैं हम अपने बाकी के प्लांट्स पर, ये देखिए बर्ड्स कितने प्यारे हैं, ये बहुत बड़ा फूल खिला, जब मैं लाई थी तो बहुत छोटा छोटे से फ्लावर थे, ये आपके साथ शेयर करूँगी मैं। पेंटास, इसके फ्लावर भी बहुत दिनों तक टिके रहते हैं पौधे के ऊपर। फॉक्सटेल फर्न, ये देखिए फर्न है, ये सभी प्लांट्स लाने का सीज़न आ चुका है, तो आप गर्मी के इंडोर प्लांट्स को आपको अगर ख़रीदना है तो आप अभी ख़रीद सकते हैं, या फिर आप फिर बारिश में ही ख़रीद पाएंगे, क्योंकि रीपॉटिंग वगैरह अभी ही कर सकते हैं आप अपने अच्छे गमलों में, सिरेमिक में, अगर किसी में रीपॉटिंग कराना चाहते हैं तो आप नर्सरी से भी करा कर ला सकते हैं, आपको ज़रूरत हो तो इंडोर प्लांट्स आप अभी ला सकते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स का टाइम अभी, तो ये जो सर्दियों के प्लांट्स हैं अभी लाने का टाइम निकल चुका है। अब तो आपने जो ले लिए हैं आप उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। ये मेरा पिछले साल का गुलदावरी का प्लांट था जिसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई है इस साल। ये देखिए
देखिए मेरी बालकनी, दूर से देखिए कितनी प्यारी लगती है। मुझे तो इसे छोड़कर पल भर के लिए भी इधर उधर होना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, जीवन है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो हमें अपने बाकी के काम भी करने होते हैं। पर एनर्जी की ज़रूरत जब भी होती है तो आप इनके आसपास रहेंगे तो आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है बहुत ज़्यादा इनके पास। अगर आप थोड़ा भी कुछ मन आपका उदास है या आपको एनर्जी फील नहीं हो रही है, कुछ वीकनेस लग रही है या कुछ भी आपको मन से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बैठ सकते हैं, मैं तो बालकनी में आ जाती हूँ तब। ये देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये कुछ दिन बाद का वीडियो है, 2 दिन बाद ही देखिए बर्ड्स बड़े बड़े हो गए, स्टिक्स बाहर निकल आई थी इनकी और फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है इसमें। ये देखिए 2-3 दिन बाद मेरे बर्ड्स का हाल, हल्की हल्की खिलने लगी हैं पंखुड़ियाँ इसकी। इसमें कुछ स्पाइडर माइट्स लग गए थे तो मैंने वो माइट का स्प्रे किया है। ये आपको ख़ास ध्यान रखना है पौधों में, ख़ासकर रोज़ में कुछ ना कुछ दवाइयों का स्प्रे करते रहना पड़ता है, हर हफ्ते आपको करना ही पड़ेगा, वरना ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। कभी फंगस, कभी स्पाइडर माइट्स, इस पर बहुत कीड़े मकोड़े बहुत लग जाते हैं। ये देखिए ये मेरे दूसरे वाले प्लांट में भी रेड हिबिस्कस है, इसमें भी बहुत सारे बर्ड्स आने लगे हैं। ये डबल पेटल हिबिस्कस है येल्लो कलर का, जब फ्लावर खिलेंगे तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये देखिए बर्ड्स, सभी में बर्ड्स आई हैं, मैंने आपको बताया ना, मैंने अब जब मैंने वो खाद डाली थी तो इसमें सभी में बर्ड्स निकलने शुरू हुए हैं उसके बाद बहुत अच्छे से। देखिए इसके स्पेन फ्लावर भी मैंने कट कर दिए हैं, ये सूख गए हैं, जितने भी फ्लावर सूख गए हैं उसे आपको टाइम टू टाइम हटाना पड़ता है, और अगर आप हटाते रहेंगे तो आपका प्लांट बहुत सुंदर अच्छा दिखेगा। और साथ में जैसे हमें अपने नेल्स कट करने पड़ते हैं, टाइम से हेयर कट करने पड़ते हैं, वैसे ही पौधों के भी अगर फ्लावर सूख जाते हैं तो पूरे सूखने से पहले हमें कट करना चाहिए, वरना आगे उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। वो बीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं और एक बार बीज बनने लगते हैं तो ये जो सर्दी के प्लांट्स होते हैं इनका ये होता है कि अगर बीज बनने लगे तो ये अगली फ्लावरिंग करनी बंद कर देते हैं, क्योंकि इनके जीवन काल इतना ही होता है कि इन्हें पौधे छोटे होते हैं, थोड़े बड़े होने होते हैं, फिर बर्ड्स आने होते हैं, फ्लावरिंग होती है और उसके बाद बीज बनता है और उसके बाद पौधा मर जाता है। सिर्फ इतना ही जीवन काल होता है इनका, तो आप अगर टाइम टू टाइम इनके बीज बनने से पहले फूल कट करते जाएंगे तो नए फूल आते जाएंगे इनके।
डायंथस में देखिए कितनी कलियां बनी है, नई कलियां। पिछले साल डायंथस का प्लांट मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, एक बार की फ्लावरिंग दूसरी बार थोड़ी बहुत हुई थी, पर ऐसे इतने नए बर्ड्स नहीं बने थे। इस साल बहुत अच्छे बर्ड्स बन रहे हैं। धीरे धीरे देखिए एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। स्टार्टिंग में अगर आप सोचें कि बहुत ही अच्छे हमारे पास पहली बार पे हम लगाएं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो और बहुत अच्छे से प्लांट्स चलें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारे पौधे मर चुके हैं, मैं बार बार लेकर आती हूँ, बार बार मर जाते हैं। पर आपको अंदर से ये रहना चाहिए कि आप इतने एक्सपर्ट तो हैं नहीं, क्योंकि पौधे हैं, कभी कोई पौधा चल जाता है, आप कितना भी ध्यान रखें कभी कोई मर जाता है, तो आपको थोड़ा तो पेशेंस इसमें रखना पड़ता है। पानी डालने पे भी पेशेंस रखिए, खाद डालने में भी पेशेंस, ज़्यादा हमें नहीं देनी है, महीने में एक बार ही खाद देनी है। लेकिन ये जो सर्दी के प्लांट्स होते हैं इनमें आप हफ्ते में एक बार लिक्विड खाद दे सकते हैं, क्योंकि गमले बहुत छोटे होते हैं, इन्हें बहुत कम पीरियड में फ्लावरिंग करनी होती है, बड़ा होना होता है, तो आप इन्हें हर हफ्ते ही खाद देंगे तो ही ये अपनी ग्रोथ पकड़ पाएंगे अच्छे से। बाकी आप साल भर वाले प्लांट्स जो होते हैं उनमें आपको महीने में एक बार ही खाद डालनी होती है, वाटरिंग अच्छे से करनी होती है, क्योंकि गर्मी के प्लांट्स को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। ये देखिए रोज़ खिल गया। ये कुछ दिन बाद का वीडियो दिखा रही हूँ मैं, सारी जो फ्लावरिंग हुई हुई है ये कुछ दिन बाद की फ्लावरिंग है, और ये मेरा रोज़ भी पूरा खिल चुका है। देखिए कितना बड़ा रोज़ है, जब पुराना आप वीडियो सर्च कर सकते हैं कि उसमें कितने छोटे छोटे रोज़ थे जब मैं लेकर आई थी, कितने छोटे खिले हुए थे। अब देखिए फुल साइज़ का रोज़ खिला है, मुझे बहुत खुशी हुई है इसको खिले हुए देख कर। ये देखिए ये भी थोड़े दिनों में, ये देखिए वर्बीना रेड कलर के ये भी खिल चुके हैं। ये पूरी जब पूरा भर जाएगा फूलों से तब मैं आपके साथ वो वीडियो ज़रूर शॉर्ट वीडियो बना के शेयर करूँगी। ये देखिए खिलने लगे हैं, दो चार दिन में पूरे खिल जाएंगे। ये और कुछ दिन बाद का वीडियो था, मैंने इसके पहले जो दिखाया था वो कुछ दिन पहले का था। ये देखिए इसमें भी दो स्टिक नई निकली हैं।
ये देखिए ये गर्मी का प्लांट है, ये जरबेरा खिल गया। मैंने आपको बर्ड्स दिखाए थे ना, ये कुछ दिन बाद का वीडियो है। ये बर्ड्स देखिए ये भी खिलेगा। ये पिछले साल मैं लेकर आई थी तो दोबारा तो फ्लावरिंग हुई नहीं, उसके पहले ही प्लांट मर चुका था। मैंने पिछले साल मैंने दो जरबेरा लेकर आई थी तो दोबारा फ्लावरिंग नहीं हुई। इस बार मैंने बहुत पेशेंस रखा, इसमें पानी की कमी होने पर भी ये प्लांट मर जाता है बहुत जल्दी, और पानी ज़्यादा होने पर भी ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसमें फंगस बहुत जल्दी लगती है, तो आप फंगीसाइड का स्प्रे इसमें करते रहना चाहिए हफ्ते में एक बार। पत्तियों पर पानी, जब आप पानी देते हैं गमले में तो पत्तियों पर नहीं पड़ना चाहिए। ये देखिए स्टॉक फ्लावर, ये स्टॉक्स निकल गए हैं, इसमें बहुत सारी स्टॉक्स निकल रही हैं और उस स्टॉक में लंबी जाती है और उसमें बहुत सारे फूल एक साथ खिलते हैं। ये नीचे नीचे के फूल खिलने शुरू होंगे, वो झड़ मुरझा जाएंगे, फिर ऊपर फ्लावरिंग होगी, बर्ड्स बड़े होंगे धीरे धीरे। ये देखिए सूखे फूल आप तोड़ते रहिए, कोई भी प्लांट हो उसमें जो भी फूल सूख जाते हैं उसे आप हटाते जाइए। ये देखिए बर्ड्स, देखिए इस तरह के वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा टाइम भी लगता है और आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि आप मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं इन पौधों के साथ होती हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ इनके बारे में, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है, इतना शोर होता है ना, बाहर की आवाज़ें इतनी आती हैं कि वीडियो बनाते हुए बात करनी पॉसिबल नहीं होती है। और ये मैं जब तसल्ली से बैठती हूँ तो ही हो पाता है, और वीडियो को थोड़े थोड़े दिनों में शूट करना, फिर एक साथ करना और फिर आपके साथ में एडिटिंग करके इसमें आपके साथ अपनी बातें शेयर करना, जो भी आपने इसमें किया है, क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर करने से ही कुछ होता है, क्योंकि आप सुनी सुनाई बातें और आप सब चीज़ें शेयर करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी मेहनत शेयर करते हैं तो वो सभी को पसंद आती है, और इससे आपको अगर कुछ फ़ायदा मिलता है तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है प्लांट्स के लिए कि हमें लगाने चाहिए, आपको कोई भी प्लांट के बारे में जानकारी चाहिए तो भी मिल सकती है। और आप वैसे आप जो भी प्लांट आपको पसंद हो, नर्सरी जाने के बाद आपको जो भी दिखता है, जो पसंद होता है आपको, वो लेकर आना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।